तृप्ता त्यागी वही टीचर इस वक्त हमारे को ज्वाइन कर रही हैं, उनसे ही सीधे इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर हो रही बयानबाजी के बाद मामला गर्माता जा रहा है और सियासत इस पर हो रही है। तृप्ता जी, मेरी अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज इतना सबसे पहले आप खुद ही बता दीजिए, आखिर ऐसा हुआ क्या था क्लास में कि बच्चे के साथ इस तरीके का व्यवहार करना पड़ा? बच्चे के साथ मैंने कोई इतना कोई गलत व्यवहार नहीं किया और ना ही कोई मेरा इंटेंशन था कोई गलत करने का, क्योंकि उसका जो फादर था वो एक दिन पहले उसकी पिटाई करता हुआ ला रहा था कि इसे टाइट रखो तुम, थोड़ा सा ये याद नहीं करता। तो मैं विकलांग हूँ और मेरे से चेयर से उठ के या वैसे बच्चे की वैसे भी पिटाई करना इतना पसंद नहीं करती। मैंने सोचा बच्चों के हाथ से जो एक आधा लगा दूंगी तो ये जो है काम करने लगा, कि वैसा मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। लेकिन तृप्ता जी, ये इंटेंशन गलत नहीं था आप ये कह रही हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपको दूसरे बच्चों को उठवाना पड़ा कि आप इस बच्चे की पिटाई करिए, और आरोप लग रहे हैं कि आपने धर्म विशेष टिप्पणी की है? हाँ, तो ये जो मैंने बताया ना अभी कि मैं विकलांग हूँ और मैं उठ नहीं पा रही थी, बच्चे को इतनी जो इतना ज़्यादा भी वो नहीं किया गया, क्योंकि वीडियो कौन बना रहा से ही हल्का फुल्का, कि बच्चे तो हल्का फुल्का ही लगाएंगे। ये वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो उसका चाचा बना रहा था, बैठा बच्चे, हुआ बच्चे का चाचा, उसका चाचा बना रहा था वीडियो। लेकिन आप मानती हैं जिस तरीके से आप उस बच्चे को लेकर जिक्र कर रही हैं वो सही था या गलत? हाँ, गलत तो है ही, खैर गलत तो है ही, मैंने इसीलिए आपसे पूछा। ऐसा इंटेंशन नहीं था क्योंकि मैंने तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मैं सिलसिलेवार तरीके से ये जानना चाह रही थी क्लास में उस वक्त ऐसा हुआ क्या था। उस वक्त कुछ नहीं ऐसा हुआ, ये तो वीडियो बनाया गया वैसे ही, क्योंकि उसका चाचा बना रहा था बैठा हुआ। अगर मेरा ऐसा इंटेंशन होता तो मैं खुलेआम उसके चाचा के सामने ही ऐसा क्यों करवाती, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा डटवाया था बस, जिससे बच्चे हल्का फुल्का कर दें और बच्चा पढ़ाई में अपना ध्यान लगा ले। तृप्ता जी, क्यों नहीं माना जाए कि आपने कम्युनल शब्द का इस्तेमाल किया? हाँ, मैंने जो है कम्युनिटी शब्द का प्रयोग कोई ऐसा वो नहीं किया, क्योंकि मेरे स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम ज़्यादा पढ़ते हैं मेरे स्कूल में, तो इनकी माए जो है वो बच्चों को ले जाकर मामा के यहाँ चली जाती थी, तो उसमें एग्ज़ाम में दिक्कत आती थी, तो मैं ये डिक्लेयर कर रही थी कि अब कोई भी माँ बच्चे को लेकर ना जाए क्योंकि पढ़ाई का नुकसान होगा। आप पर आरोप है तृप्ता जी, आपने एक खास धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चों से पिटवाया है, ये आपको सही लगता है? आप खुद कह रही हैं अगर मुस्लिम बच्चे कम पढ़ते हैं और हिंदू बच्चे स्कूल में ज्यादा पढ़ते हैं तो क्या आप इक्वल नहीं रखेंगी सबको? ये सीक्वेंस ही रखी जा रही थी, क्योंकि हिंदू हिंदू ना तो हिंदू बच्चों से उसे पिटवाया गया और ना ही मैंने ऐसे की कि इसको पिटवाया जाएगा, बच्चे को ये मुस्लिम बच्चा ही था जिसने हल्का फुल्का उसे लगाया था, इसे तो मुद्दा बना दिया गया। लेकिन आप ये खुद कह रही हैं कि हर समुदाय के लोग आपके स्कूल में हैं, क्या स्कूल में उन्हीं बच्चों के सामने ये कहते हुए उसे पिटवाना ये सही लगता है आपको? नहीं, मोमडन शब्द का प्रयोग तो मैंने उन्हें कहा ही नहीं कि मोमडन बच्चों को पिटो, ये तो बोला ही नहीं गया इसमें, लेकिन क्योंकि मैंने तो ये शब्द कहा था कि कोई भी मोमडन माए ना लेकर जाए इन्हें अपने मामा के यहाँ, क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं और इसमें पढ़ाई में दिक्कत आएगी। लेकिन हर समुदाय के बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो सिर्फ एक एक धर्म विशेष के थोड़ी हैं। नहीं, वो तो है, लेकिन ये हाँ नहीं, ये क्या था कि ये ज़्यादातर जाते थे, ज़्यादातर इनकी माएँ चली जाती थी ना, ये देखें थी कि भाई ये स्कूल चल रहा है इसमें एग्ज़ाम है, ध्यान नहीं देती थी, इसलिए थोड़ा सा कहा गया था। ये एक बार अच्छा, मैं फिर जानना चाहूंगी तृप्ता जी, ये वीडियो किसने बनाया? आप कह रही हैं बच्चे के चाचा ने बनाया है। उसके चाचा ने बनाया था, तो उसके चाचा वहां पर मौजूद थे और वो बच्चा उस बच्चे को आपने पिटवाया दूसरे बच्चों से? हाँ,
हाँ, वो चाचा वहीं पे मौजूद था। और अगर मेरा ऐसा इंटेंशन होता तो उसके चाचा के सामने ही बच्चों से क्यों मैं एकादर लगवाती। अगर आपके इंटेंशन ऐसे नहीं, ऐसा तो मामला कोई था ही नहीं। और ना, हाँ जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। आप बार बार ये कह रही हैं आपके ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थे, लेकिन बच्चे के पिता अगर बच्चे को स्कूल से ले जा रहे हैं तो आपने उन्हें कुछ नहीं समझाया? हाँ, वो अपने आप ही बोल रहे थे कि अब तो नियम पढ़ाएंगे इसी स्कूल में। वो थोड़ी धमकी सी दे रहे थे इस मामले में। और उन्होंने जो है मेरे से जो है ये कहा कि फीस दे दो इसकी और एडमिशन फीस दे दो। तो मैंने उनकी देखे और उन्होंने जो है फैसला कर लिया था कि यही हमारा फैसला होगा। आपने उन्हें नहीं समझाया कि ना जाए बच्चे को लेकर, ऐसा कुछ नहीं होता इस स्कूल में? आपने नहीं मानी उनके सामने अपनी गलती की? अगर आपने धर्म विशेष कहते हुए इस बच्चे को संबोधित कर दिया या ऐसी बात उनके सामने गलती मानी तो? हाँ जी तृप्ता जी, एक दिन पहले आए थे तो तब मैंने, क्योंकि वो कहने आए थे तो मैंने मानी थी उनकी उनके सामने गलती। ठीक है, आपने गलती मानी है आप बता रही हैं, लेकिन बच्चे के पिता ने भी प्रतिक्रिया दी थी और ये बताया था कि अब वो किसी को कंप्लेन नहीं करेंगे। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं इस मसले पर। अवनिजेश जी आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं निधि जी, मेरा सवाल सिर्फ इतनी सी बात है कि वहाँ पर क्या आपने इस बात को स्पेसिफिक बनाया कि एक समुदाय के बच्चे दूसरे समुदाय के बच्चों को मारें? क्या आपने स्पेसिफिक इस बात की कोशिश की क्या वहाँ पर? नहीं, क्योंकि एक समुदाय का बच्चा तो दूसरे को थप्पड़ लगा ही नहीं रहा था, क्योंकि मोमडन बच्चा ही मोमडन को लगा रहा था और हिंदू और मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं थी वहाँ। तो जब उनके चाचा ये वीडियो बना रहे थे और एक दूसरे बच्चे उसको मार रहे थे, तब चाचा ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया वहाँ पर? नहीं, उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि ठीक है इनकी जोर से पिटाई करवाओ। है? ये चाचा ने कहा? तो तब मैंने थोड़ा सा कहा कि उन्होंने कहा कि जोर से, हाँ जोर से इनकी पिटाई कराओ, ऐसे धीरे से नहीं। तो फिर हंस भी रहे थे उसमें, वीडियो में देखो वो यही बात कह के हंस भी रहा है। ठीक है, अब बताइए खान साहब, साफ तौर पर ये शिक्षिका कह रही हैं हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं है। उनके पास क्या जा रहा है? जाहिर सी बात है कि जो कह रही है वो एडमिट भी कर रही है। एक बात बताऊं आपको कि हालात जो है आज कहीं ना कहीं बहुत बिकट है। अब वो एडमिट भी कर रही है, उनको पछतावा है, पूरी बात कर, इस बात का पछतावा है कि मैंने गलत किया है। और कहीं ना कहीं जो वीडियो में दिख रहा है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप किन किन तरीके से संबोधन किया है, रोटियां सेकेंगे, सियासी रोटियां सेकेंगे, फिर हिंदू मुस्लिम की बिसात पर आप की बात ही नहीं करना। अरे निधि सुनिए ना, हम सियासत की बात ही नहीं कर रहे। पहली बात तो बच्चों को मारना ही मना है, मारना ही नहीं चाहिए। अब तो जाहिर सी बात है इसके लिए कानून है कि किसी बच्चे को आप मार नहीं सकते। पहली बात तो हिंदू और मुसलमान बाद में आता है मैटर, पहले तो ये कि मारा क्यों जा रहा है। तो हम कह रहे हैं सर कि इसे क्रिमिनल एंगल क्यों दिया जा रहा है, क्यों इस तरीके की बयानबाजी हो रही है।